हेलो डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इनसाइड द हवेली बाय रमा मेहता। सो लेट्स स्टार्ट। दिस नोवेल इज नॉन एज मॉडर्न क्लासिकल वर्क विच वॉज पब्लिश्ड इन 1977 एंड दिस नोवेल वॉन रमा मेहता साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1979। दोस्तों ये नोवेल जो है इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। रमा मेहता ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ही लाइफ का डिस्क्रिप्शन इस नोवेल के अंदर गीता कैरेक्टर के माध्यम से दे रही है। दोस्तों इस नोवेल के अंदर सबसे विशेष बात ये है कि इसकी जो कैरेक्टराइजेशन है, इसके कैरेक्टर्स को जो पोर्ट्रे किया है, इसके कैरेक्टर्स और जो उदयपुर की फिजिकल स्ट्रक्चर्स को जो इसने एक्सप्लेन किया गया है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से कैरेक्टर्स को और उस प्लेस को, मतलब उदयपुर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर हम लोग इस नॉवल के कैरेक्टर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा, बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। सो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसी तरीके से मैं आपको इसके कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता जा रहा हूँ। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है उदयपुर के डिस्क्रिप्शन में। पहले चैप्टर में, इसमें पूरे चैप्टर में उदयपुर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उदयपुर विच अर्लियर वॉज कैपिटल ऑफ मेवाड़, नाउ इट इज अ फेमस सिटी ऑफ राजस्थान। द सिटी इज नाउ नॉन एज द ओल्ड वर्ल्ड सिटी एंड द आउटर पार्ट ऑफ द सिटी इज न्यू उदयपुर। उदयपुर सिटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके चारों तरफ एक मोटी दीवार खींची हुई थी जो कि उसे बाहरी आक्रमणों से प्रोटेक्ट करती थी। यहाँ पर लगभग पिछले 400 सालों से राणाओं का शासन था। इस शहर में प्रवेश करने के लिए उस मोटी दीवार के चारों दिशाओं में चार गेट थे। उत्तरी भाग में सज्जनगढ़ का जंगल इसे प्रोटेक्ट करता था, वहीं पश्चिमी भाग में लेक पिचोला इसका प्रोटेक्शन करती थी जहाँ अक्सर लोग नहाने के लिए आते थे। हालांकि झील का पानी स्वच्छ नहीं था लेकिन इसके किनारे पर कई मंदिर बने हुए थे जहाँ पर स्त्रियाँ अपने घरों का चूल्हा जलाने से पहले जाया करती थी। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है जो सफ़ेद ग्रेनाइट से बने महल तक जाता है। इस महल में कभी राणा अपने शान चलाया करते थे। यहाँ पर कई छोटी छोटी गलियाँ हैं लेकिन आज के समय में इसके बाहर की तरफ का एरिया डेवलप हो चुका है और कई मॉडर्न मकान बन चुके हैं, चौड़ी सड़कें हैं, गार्डन बने हुए हैं। चार दीवारी के दूसरी तरफ एक नया शहर विकसित हो चुका है जो साफ सुथरे और मॉडर्न तरीके से बना हुआ है। वहाँ पर एक चौड़ी रोड है जिसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं लेकिन इन मकानों में रहने वाले लोगों की दिनचर्या बिल्कुल डिफरेंट है। ये लोग मॉडर्न तरीके से जीते हैं और पुराने रीति रिवाजों को नहीं समझते हैं। संग्राम सिंह जी की हवेली एक गली में है। इस हवेली में कई कोठरियाँ बनी हुई हैं लेकिन ये पुराने टाइप की बनी हुई हैं। इस हवेली की नींव काफ़ी गहरी है इसलिए काफ़ी सशक्त और मजबूत है। हवेली का आकार बाहर से तो कुछ विशेष नहीं है लेकिन अंदर का नक्शा बिल्कुल निश्चित है। हवेली में कई अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। उदयपुर में इस समय पर पर्दा प्रथा काफ़ी प्रचलन में है। सभी स्त्रियाँ पर्दा करती हैं और परंपराओं के अनुसार चलती हैं। इस हवेली में ना केवल राज परिवार रहता है बल्कि कई नौकर और नौकरानियाँ भी रहते हैं। वो नौकर और नौकरानियाँ भी उस हवेली का सदस्य मानी जाती हैं और परिवार के सुख दुख के भागीदार बनते हैं। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चैप्टर वन के अंदर। चैप्टर टू की शुरुआत होती है एक लड़की के जन्म से जिसका नाम रखा जाता है सीता। उसकी माँ का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो कि बहुत कम उम्र में जीवन निवास हवेली में आई थी। नौकर और नौकरानियाँ उसे ऐसा कह करके चिढ़ाते हैं कि वो सुंदर नहीं थी इसलिए उसके माता पिता उसे यहाँ पर छोड़ करके चले गए थे। लक्ष्मी की शादी गंगाराम से, जो कि हवेली का एक नौकर हैं, उससे करवा दी गई है। वो सुंदर नहीं हैं और उसकी टांगे भी थोड़ी घुमावदार हैं और उसका नाक नक्शा थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए वहाँ के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और लक्ष्मी भी उसे पसंद नहीं करती है। सीता के जन्म के साथ ही
हवेली में एक और लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है विजय बाईसा। विजय बाईसा हमारी कहानी के मुख्य कैरेक्टर गीता की बेटी हैं। विजय बाईसा के जन्म पर हवेली में हर्षोल्लास छा जाता है, लेकिन सीता के जन्म पर उसके पिता खुश नहीं होते हैं। उसे एक पुत्र की आशा थी, लेकिन हवेली में एक और नौकर है जिसका नाम होता है ख्याली। ख्याली उसे ऐसा कह करके सांत्वना देता है कि भगवान जिसे जन्म देता है उसका ख्याल भी खुद रखता है। यहाँ पर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, सरजू। सरजू एक धाई माँ का कार्य करती हैं जो कि लक्ष्मी के साथ में है, और गीता के साथ में एक मॉडर्न डॉक्टर हैं। काफ़ी सारे नौकर और नौकरानियाँ हवेली के बाहर बरामदे में बैठ कर के डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं पर पारी आती हैं और सबको कहती हैं कि हवेली में उत्सव मनाया जाएगा। क्या हुआ अगर एक लड़की हुई है तो भी हवेली के अंदर एक लड़की के जन्म दिवस के समान ही उत्सव मनाया जाएगा। गंगाराम इस बात को सुनकर के बहुत खुश हो जाता है। बीच में ही अचानक पारी गंगा पर चिल्लाने लगती हैं। गंगा भी हवेली की एक नौकरानी है, चिल्लाती हैं, गंगा ओ गंगा कहाँ चली गई तू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। गंगा उधर से आवाज़ लगाती हैं, अरे पारी जी, मैं लक्ष्मी से मिलने नीचे चली गई थी। यहाँ पर हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन पारी के बारे में भी मिलता है। पारी जब मात्र 8 वर्ष की थी तब उसे उसके पिताजी हवेली में छोड़ करके चले गए थे। ऐसा माना जाता है उस समय पर एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था जिसकी वजह से उसके माता पिता उसे वहाँ पर छोड़ करके चले गए थे, ऐसा सोच करके कि अगर हवेली में छोड़ दिया तो कम से कम ये भूख से तो नहीं मरेगी। जब पारी जीवन निवास में आई थी उस समय हवेली के मालिक संग्राम सिंह जी के पिताजी राम सिंह जी थे। तब से ही पारी अपनी मालकिन राम सिंह जी की पत्नी के साथ में कार्य करने में मदद किया करती थी, हमेशा उनके साथ में रहती थी। इसलिए उसे हवेली में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड माना गया है और वो सभी परंपराओं को जानती है। अब हवेली में किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे शादी विवाह का या फिर मौत के समय पर की जाने वाली रस्में, उन सभी के अंदर पारी की मुख्य भूमिका होती है। यहाँ तक कि संग्राम सिंह जी की पुत्र वधू गीता जब हवेली में आई थी तब भी पारी ने ही उसको हवेली के सभी रीति रिवाजों से परिचित करवाया था। पारी अचानक उठती हैं और गीता के कक्ष में प्रवेश करती हैं। उसी समय पर गीता की जो डॉक्टर थी वो कमरे से बाहर निकलती हैं और गीता को आराम करने और कम बोलने की सलाह देती हैं। ये सब सुन करके पारी कमरे से वापस बाहर निकलती हैं, ऐसा कहते हुए कि ये डॉक्टर सोचते हैं जैसे बच्चे को जन्म देना कोई ऑपरेशन करवाने के समान होता है। इसके बाद गीता अपने नवजात शिशु के साथ में गहरी नींद में सो जाती हैं। चैप्टर 3 में सभी नौकर और नौकरानियों के बीच में चर्चाएं चलती रहती हैं कि विजय बाईसा का जन्मदिन उसी तरह से मनाया जाएगा जिस प्रकार से एक लड़के के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस बात को लेकर के सभी बहुत खुश थे क्योंकि सभी को नए कपड़े और अच्छा खाना मिलने वाला था। गंगाराम इस बात से बहुत खुश था कि हवेली में एक उत्सव मनाया जाने वाला है, लेकिन लक्ष्मी उसे पारी जी और मालकिन के बीच की बातचीत के बारे में बताती हैं और वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मालकिन कह रही थी कि लड़की के जन्म दिवस पर इतनी खुशियां नहीं मनाई जाएगी। इस पर गंगाराम कहता है कि तुम बहुत अधिक बोलती हो, तुम कम बोला करो, ऐसी सलाह देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सरजू कमरे में आती हैं और जल्दी से लक्ष्मी को तैयार होने की सलाह देती हैं, अन्यथा वो नई साड़ी और लहंगे से वंचित रह जाएगी। लक्ष्मी सरजू को छेड़ते हुए कहती हैं कि तुम्हें तो इस मौके पर सोने के कंगन मिलने वाले हैं। सरजू लक्ष्मी से गुस्सा हो जाती हैं, उसे डांट कर कहती हैं कि तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तभी लक्ष्मी कहती हैं कि मालकिन कह रही थी कि हवेली में पहली पोती के जन्म दिवस पर उत्सव का आयोजन किया जाएगा, ऐसा कह करके वो वहाँ से चली जाती हैं। चैप्टर 4। विजय बाईसा के जन्म के बाद आज ये 11वां दिन था। गीता अपने बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी, खिड़की के बाहर शांत बादलों से घिरे मौसम को देख रही थी। उसे धीरे धीरे अपने अतीत की बातें याद आने लगी और वो अपने अतीत में खो जाती हैं और वो उस समय को याद करती हैं जिस समय पर उसकी शादी का प्रस्ताव उसके घर पर आया था और उसके माता पिता ने उससे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या वो ग्रे सूट वाला लड़का उसे पसंद आया, और गीता ने हाँ कह दिया। गीता की माँ ने उसे बताया था कि अजय
एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं और वो एक साइंस के प्रोफेसर हैं। उसकी माँ ने उसे यह भी बताया था कि वो राजसी परिवार से बिलोंग करते हैं और उदयपुर के उच्च घराने की महिलाएं हमेशा पर्दे में रहती हैं। हालांकि गीता एक वेल मॉडर्न एजुकेटेड लड़की थी, गीता के माता पिता उस समय इस बात को लेकर के काफ़ी डरे हुए थे कि गीता किस प्रकार से उस फैमिली में एडजस्ट करेगी। प्रस्ताव के लगभग एक सप्ताह बाद गीता को पसंद कर लिया गया और उन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब गीता अपने माता पिता को छोड़ कर के अजय के साथ में हमेशा के लिए उदयपुर चली जाती हैं। उसे वो समय याद आता है जिस समय पर वो उदयपुर में पहली बार आती हैं। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, उसने अपना पहला कदम नीचे रखा, एक औरतों की टोली उसके आसपास में आकर के उसे घेर लेती हैं और कई प्रकार की बातें करने लग जाती हैं। उसके बाद वो एक कार की तरफ जाते हैं और तुरंत कार में बैठ जाती हैं। जैसे ही वो कार में बैठती हैं, उसे पता लगा कि उसके पति अजय कार में उसके साथ नहीं थे। गीता को कार में औरतों की वजह से घुटन सी होने लग जाती है। शहर के दरवाजे से निकलते वक्त पारी उसे अपने उसके ससुराल वालों के रिश्तेदारों के मकानों से परिचित करवाती हैं। जैसे ही वो लोग सूरज पोल गेट को पार करते हैं, उसके दाईं तरफ बिल्डिंग जो होती हैं उसके बारे में बताती हैं कि ये तुम्हारे चाचा ससुर प्रताप सिंह जी की हवेली है। उसके बाईं तरफ में उसके सास के भाई गोपाल सिंह जी की हवेली है और इस प्रकार से कई हवेलियों का उसे परिचय करवाती हैं। गीता के मन में कई विचार चल रहे थे और ऐसा सोचते सोचते ही वो अपने पति के घर जीवन निवास हवेली में पहुंच जाती है। गीता पारी की बेतुकी की बातों से परेशान हो जाती हैं और वो जैसे ही कार से बाहर निकलती हैं, औरतों का एक समूह उसे चारों तरफ से फिर से घेर लेता है और उसका घूंघट उठाने की कोशिश करते हैं। उसका चेहरा देखने पर औरतें कई प्रकार की कमेंट्स करने लग जाती हैं कि इसके नाक नक्शे तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ी सांवली हैं। इस प्रकार से कई प्रकार की बातें वहाँ पर चलती हैं। कुछ औरतें ऐसा भी कहते हैं, देखते हैं ये हवेली के रीति रिवाजों के साथ में कैसे तालमेल मिला पाएगी या नहीं, क्योंकि ये उदयपुर की तो है नहीं और मुंबई में पढ़ी लिखी एक लड़की है। गीता ने देखा कि वहाँ पर सिर्फ स्त्रियाँ थीं लेकिन फिर भी सभी स्त्रियाँ घूंघट निकाले हुए थी। गीता इन सभी विचारों से बाहर निकलती हैं और पिछले 2 सालों में जो उसने जीवन निवास में बिताया था उसके बारे में सोचने लगती हैं। 2 वर्ष बीत चुके थे लेकिन उसे यह तक भी पता नहीं था कि उसके ससुर कौन हैं। जैसे ही सूरज निकलता था घर के सभी पुरुष घर से बाहर चले जाते थे और अंधेरा होने के बाद में ही सब लौटते थे। यहाँ तक कि अजय सिंह को भी दिन में गीता से मिलने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। एक दिन गीता पुरुषों के अपार्टमेंट की तरफ जाने का साहस करती हैं और वो धीरे धीरे पुरुषों के कमरे में प्रवेश कर जाती हैं। उस कमरे को देख करके वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। यह कमरा पूर्ण रूप से सुसज्जित था, भित्ति चित्र और फर्नीचर्स से भरा हुआ था। दीवार पर उनके पूर्वजों के चित्र देख करके वो अपने आप में गर्वित महसूस करती हैं। अचानक से ही उसे पारी आवाज़ लगाती हैं, बीनणी जी आपको यहाँ पर बिना सुरक्षा के अकेले नहीं आना चाहिए था। गीता को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल कर लेती हैं। पहले तो गीता को यह सब बड़ा अजीब लगता था कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष बिल्कुल अलग अलग रहते हैं और स्त्रियाँ केवल पुरुषों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ही करती हैं। और वो मन ही मन में अपने माता पिता के घर से हवेली के जीवन को कंपेयर करती हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट था। जब गीता हवेली में आई थी उसे अजय सिंह के अलावा किसी पर विश्वास नहीं था। अजय सिंह ने उसने कहा था कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद में वो वहाँ से दिल्ली चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। अब आगे एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती हैं, धापू, जो कि गीता की पर्सनल असिस्टेंट हैं। वह उसकी फ्रेंड और उसकी गाइड भी बन जाती हैं। धापू उसे हवेली में किस तरीके से रहना है इन सब के तौर तरीके भी सिखाती हैं। जब कोई भी रिश्तेदार आता था तो उनसे किस प्रकार से नीचा सर रख कर के बात करनी थी और ये सब करने की बजाय वो रसोई घर में जा कर के अपने नौकरानियों के साथ में उनका हाथ बटाती थी। गीता ने यह भी नोटिस किया कि हवेली में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनका नज़दीकी रिश्तेदार ना होने के बावजूद भी वो उन सबके सामने
घूंघट निकाल करके रहती हैं और उनको काकी साहब, मामी साहब, भुआ साहब या बाई साहब कह करके पुकारती हैं। गीता हमेशा अब चुपचाप रहने लग गई हैं। अगर कोई उससे कुछ पूछता है तो वह हाँ का इशारा कर देती हैं या फिर उसकी सास ही जवाब देती हैं। उसकी सास का नाम है कंवरानी सा और कंवरानी सा की सास का नाम है भाभा सा। कंवरानी सा के पति का नाम है भगवत सिंह जी और भाभा सा के पति का नाम है संग्राम सिंह जी। दोस्तों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन कैरेक्टर्स को आपको याद रखना पड़ेगा। चैप्टर 5। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन हवेली में उत्सव मनाया जाने वाला था। गीता की शादी को 2 साल बीत चुके थे लेकिन वो अब भी ऐसे अवसरों पे अपने आप को असहाय महसूस करती थी क्योंकि उसे घूंघट निकालना पड़ता था जो उसे पसंद नहीं था। गीता सुबह जल्दी उठकर स्नान करने चली जाती हैं। जैसे ही वो कमरे में वापस लौटती हैं उसकी सास वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। वो उससे कहती हैं, मैं आपके लिए गहने लेकर आई हूँ, धापू कपड़े लेकर आ रही हैं, उनमें से चुनकर पहन लेना। आगे वो उससे कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम सबके बीच में भरपेट खाना नहीं खा सकती हो, इसलिए जैसे ही लोग खाना खाने लगे तो तुम अपने कमरे में आ जाना, मैं धापू से कहकर तुम्हारा खाना वहीं पर लगवा दूंगी। जब गीता हवेली में आई थी तो वो सोचती थी कि उसकी सास एक कठोर हृदय वाली स्त्री हैं, परंतु धीरे धीरे वो महसूस करती हैं कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड वीमन थी, परंतु हवेली के नियमों का कठोरता से पालन करती और करवाती थी। वह हमेशा गीता को हवेली के रीति रिवाजों के अनुसार ढल जाने की राय देती थी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी। तभी धापू अंदर आती हैं और उसे लाल साड़ी पहनने को कहती हैं। गीता को ये सब सुन करके गुस्सा आ जाता है और वो धापू से नाराज होकर कहती हैं कि मुझे बार बार ये राय देना बंद करो, मैं इन सब अर्थहीन बातों पर कोई ध्यान नहीं देती हूँ। धापू नाराज़ होकर के कहती हैं कि ये दिन देखने के लिए ही हमने इतने सालों से इंतज़ार किया था क्या। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। गीता महसूस करती हैं कि जब से वो हवेली में आई थी कोई भी इस प्रकार के अपशब्द और अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करता था। जब गीता इन विचारों में खोई हुई थी नीचे के कमरे से औरतों की आवाज़ आती है। वहाँ पर कई स्त्रियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई हैं। कुछ विधवा स्त्रियाँ भी हैं जो ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बच्चे लुक्का छिप्पी खेल रहे हैं। गीता पारी के साथ कमरे में प्रवेश करती हैं। भीड़ को पार करते हुए वो अपनी दादी सास के पास जाकर के आशीर्वाद लेती हैं। उसकी दादी सास उसे सदा स्वागन रहने और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती हैं। कमरे के बीचों बीच एक पंडित जी बैठे हुए हैं जो मंत्रों उच्चारण कर रहे हैं। पूजा के आरंभ होते ही भगवत सिंह जी और उनका पुत्र अजय सिंह वहां आते हैं और चुपचाप पूजा में जाकर बैठ जाते हैं। भगवत सिंह जी की पत्नी उनके पास बैठ जाती हैं और गीता अपने पति के पास बैठ जाती हैं। पंडित जी आग जलाकर मंत्रों उच्चारणों के साथ पूजा प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही पूजा खत्म होती है पुरुष वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं और औरतें थोड़ा आराम महसूस करती हैं। गीता खड़ी होकर सभी के पैर छूने की रस्म पूरी करती हैं। सभी बुजुर्ग स्त्रियां उसे आशीर्वाद देती हैं। विजय के हाथों में सभी अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ रुपए भी देते हैं। पंडित जी भी फल, मिठाइयों और अपनी दक्षिणा लेकर वहां से चले जाते हैं। सभी मेहमान भोजन प्रारंभ करते हैं। इसके बाद गीता अपने कमरे में आ जाती हैं जहाँ धापू उसके खाने की व्यवस्था कर देती है। खाने के बाद वहाँ गाने बजाने वालों का एक समूह आ जाता है और नाचना गाना शुरू हो जाता है। सभी औरतें नाचने गाने में व्यस्त हो जाती हैं। तभी धापू वहाँ पर गीता के पास आकर उससे कहती हैं कि बीनणी जी, आप शायद यहाँ पर परेशान हो रहे होंगे, आप मेरे साथ आइए, और उसे सीढ़ियों की तरफ ऊपर ले जाती हैं। गीता वहाँ से एक खिड़की में से झाँक कर देखती हैं, उसके पति एक सफ़ेद कुर्ता और लाल चुनड़ी वाला सापा पहने हुए थे। ये सब देखकर उसे महसूस होता है जैसे कि उदयपुर के रीति रिवाज सुरक्षित थे। जब गीता वापस नीचे उतरती हैं अधिकतम मेहमान अपने घर जा चुके थे और जो बचे थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। धीरे धीरे वहाँ पर शांति छा जाती है। चैप्टर 6। उत्सव के दूसरे दिन गीता बहुत थक चुकी थी इसलिए लेट उठती है। धापू ने विजय को गीता के बाथरूम में नहलाया और उसे तैयार किया। तभी गंगा वहाँ पर चिल्लाते हुए आती हैं, बीनणी जी, बीनणी जी, देखिए मुझे कल लाल साड़ी और लहंगा मिला, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इतना कहकर वो ख्याली की मदद करने रसोई में चली जाती हैं। चंपा और लक्ष्मी
बरामदे में सफाई कर रही है जहाँ पर भाभासा सोई हुई थी। चंपा कहती हैं कि सब अपनी अपनी चीज़ें दिखा रही हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है पारी जीजी को सोने की चूड़ियाँ मिली हैं और सरजू उसे सोने के झुमके, यहाँ तक कि धापू को भी सोने की अंगूठी मिली है। चंपा उसे भाभासा के डर से कम बोलने के लिए कहती है, तभी भाभासा की आवाज़ सुनाई देती है। वो खाना मांग रही थी और शिकायत कर रही थी कि उसका कोई भी ध्यान नहीं रखता है। बटियाणी जी, भाभासा की पर्सनल असिस्टेंट जो कि उसके पास में ही खड़ी थी, वो उससे कहती हैं कि उनको इस समय भोजन नहीं मिल पाएगा क्योंकि सब लोग अपनी मालकिन को अपनी साड़ी और तोपे दिखाने में व्यस्त हैं। भाभासा कमरानी साहब पर नाराज़ हो जाती हैं कि वो लापरवाही से कितना पैसा इन नौकरों पर लुटा रही हैं। उसी वक्त पारी और कवरानीसा भाभासा के कमरे में भोजन की थाली लेकर आती हैं। भाभासा कवरानीसा से पूछती हैं, बीनणी जी, आपने इस उत्सव पर नौकर नौकरानियों पर कितना पैसा उड़ाया? और बड़बड़ाते हुए बोलती हैं, पिछले कई सालों से मैंने कितनी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया है जिसे आज नौकरों पर लुटाया जा रहा है। इन नौकरों को इतना धन देने से क्या लाभ है, दो दिन बाद ये सब भूल जाएंगे। इन्होंने मुझे दिखाया तक नहीं क्या क्या मिला है इन्हें। पारी बीच में ही चिल्लाती हैं, लड़कियों सब इधर आओ और भाभासा को अपने अपने उपहार दिखाओ। तभी सभी नौकरानियां अपने अपने उपहार लाकर भाभासा के सामने रख देती हैं। भाभासा पारी से पूछती हैं कि क्या वे इन सबसे खुश हैं, और इस तरह से बातें करते करते वो सो जाती हैं। सब वहां से बाहर आ जाते हैं। अब इसी समय लक्ष्मी के जीवन से जुड़ा हुआ एक किस्सा सबके सामने आता है। यहाँ पर एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, हीरालाल, जो कि एक ड्राइवर है। वो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए उसे एक पैकेट उपहार का देता है। उस पैकेट को खोलकर देखती हैं, उसके अंदर गुलाबी रंग का एक सिल्की ब्लाउज था जो कि बहुत ही महंगा था। पहले उसने सोचा कि वो इसे वापस लौटा देगी, परंतु फिर डर जाती हैं कि वो क्या कहेगी अगर किसी ने देख लिया तो। ये सोचकर जल्दी से उस ब्लाउज को अपने बक्से के अंदर छिपा देती हैं। चैप्टर 7। उत्सव को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उसके जन्मोत्सव की चर्चाएं पूरे उदयपुर में अभी भी चलती रहती हैं। मानसून खत्म हो चुका है, आसमान बिल्कुल शांत था, शाम का समय था। अजय सिंह अपने डेस्क पर स्टडी करने में बिजी था। गीता भी अपने पति के पास बैठी हुई थी। गीता गहरी सांस लेते हुए तीखे स्वर में बोलती हैं, अजय। अजय उसकी तरफ मुड़ता है, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह किताब बंद करके गीता के पास आकर बैठ जाता है और गीता से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ कितना मुश्किल है, परंतु ऐसे दुखी होने से ये सब कुछ नहीं बदल सकता। इस तरह पर्दे में रहना तुम्हें पसंद नहीं है, परंतु मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम मेरी मदद करो और इस वातावरण में रहकर तुम क्या कुछ कर सकती हो यह सोचो। तुमसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिली है, तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। गीता अजय से कहती हैं कि आपने तो यहाँ पर कुछ समय ही रहने के लिए कहा था। अजय सिर झुका करके गीता को सुनता रहता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे परिवार में खुश नहीं हो। गीता कहती हैं, हाँ मैं खुश हूँ, परंतु मैं तुम्हारे करियर के बारे में सोचकर परेशान हूँ, तुम उदयपुर में खुश नहीं रह पाओगे। अच्छा, तो तुम मेरे बारे में परेशान हो? जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, मैं उदयपुर में खुश हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत खुश रहता हूँ। गीता को अचानक गुस्सा आ जाता है, वो रोने लगती हैं और अजय सिंह से कहती हैं, तुम पुरुष अपने जीवन को ही जीवन समझते हो, स्त्रियां तुम्हारे लिए एक बकवास होती हैं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। अजय सिंह कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, हम पुरुष बहुत बुरे होते हैं, परंतु तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुमने मेरे माता पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाया है, मुझे तुम पर गर्व है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उदयपुर उसके पति के दिलो दिमाग में छा गया था और अब वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। और धीरे धीरे गीता भी हवेली को छोड़कर जाने का विचार त्याग देती हैं। अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर से आवाज़ आती है, बापू सा नीचे आइए, भाभासा बीमार हैं। सभी लोग भाभासा के कमरे में इकट्ठे हो चुके थे। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से बाहर गया, भाभासा अपने पुत्र को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, बाबू सा, मैंने जो सोने की चूड़ियाँ पहन रखी हैं वो आधी आधी पारी और भटियाणी जी को दे देना और बाकी गीता को दे देना। साड़ियाँ रिश्तेदारों में बाँट देना और सबको भोजन करवाना, लेकिन हाँ पैसा बर्बाद मत करना। और उसके बाद में वो अजय सिंह को आशीर्वाद देती हैं। गीता और कमरानी सा के सिर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, मेरे बेटों का ध्यान रखना। और इसके बाद में वो हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। जीवन निवास में
मातम छा जाता है। हवेली की सभी नौकर नौकरानियां अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए थे। भगवत सिंह जी की पत्नी और बहू बरामदे में बैठी हुई थी, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। कुछ औरतें उनको सांत्वना दे रही थी। कुछ समय बाद उसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है और इस प्रकार भाभासा के जीवन का अध्याय समाप्त हो जाता है। भाभासा की मृत्यु के पश्चात हवेली में कुछ दिनों तक मातम छाया हुआ रहता है। भाभासा की मृत्यु के 13वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन करवाया जाता है। इस चैप्टर में हीरालाल एक बार फिर से लक्ष्मी को एक उपहार का पैकेट देता है जिसमें कुछ हलवा रहता है और इन सब बातों का पता लक्ष्मी के पति गंगाराम को चल जाता है। गंगाराम उसे पीटते हुए और चिल्लाते हुए बाहर आता है। मालकिन उसे रोकते हुए कहती हैं और कि तुम्हें इसको छूने का साहस कैसे हुआ, लेकिन गंगाराम चिल्लाता रहता है और उसे बाजारू औरत भी कहता है। लक्ष्मी अपराधी की तरह घुटनों में अपना सिर रखकर बैठी रहती हैं। जब रात को अंधेरा हो गया तो सब सामान्य था। भगवत सिंह जी की पत्नी पारी से कहती हैं कि तुम जाकर लक्ष्मी से बात करो और पूछो कि यह गलत काम किसने किया। जब लगभग आधी रात हो चुकी थी उसने अपना गहना उतार दिया और हवेली से निकल गई। चैप्टर 9। अगले दिन सुबह गंगा ने देखा कि सीता अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी और भूख के कारण उंगलियां चूस रही थी। धीरे धीरे ये समाचार पूरी हवेली में फैल गया कि लक्ष्मी हवेली छोड़कर जा चुकी हैं। ख्याली पारी जीजी के साथ लक्ष्मी को ढूंढने के साथ गया। ख्याली एक भविष्य वक्ता अर्जुन के पास जाने की सलाह देता है, जो कि भोपा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वो दोनों अर्जुन के पास में पहुँचते हैं। ख्याली 5 रुपये का एक नोट निकालकर भोपा जी के पाँव में रखते हुए पूछता है, भोपा जी हवेली की एक नौकरानी हवेली छोड़कर चली गई है। भोपा जी बताते हैं कि वो जगदीश जी के मंदिर से 3रे-4थे मकान में हैं, जहां पर एक कोबलर रहता था। ख्याली और पारी दोनों वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे दोनों वहां पर पहुंचते हैं, एक पतला दुबला आदमी ईंटों से बने मकान से बाहर निकल करके आता है। ख्याली ने उससे पूछा, लक्ष्मी कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। एक स्त्री यहाँ आई थी, उसने एक कमरा किराए पर लिया है। तुम्हें पता है कि मेरे पास 2 कमरे एडवांस थे। ख्याली जैसे ही दरवाजे की ओर आगे बढ़ा, लक्ष्मी वहाँ से बाहर निकल करके आती हैं और कहती हैं, पारी जीजी आप वापस चली जाओ, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। मुझे पता है हवेली में मेरा विश्वास कोई भी नहीं करने वाला है। मालकिन को बता देना कि चोर हीरा लाल है, वह एक बुरा आदमी है, उसने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है, वह दोषी है। पारी और ख्याली के काफ़ी मनोहार करने पर भी लक्ष्मी वहाँ से वापस नहीं लौटती हैं, इसलिए दोनों वापस हवेली लौट जाते हैं और मालकिन को बताते हैं कि वो एक बुरी स्त्री के पास रह रही है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। आप सबको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसका 2nd और 3rd सेक्शन प्रिपेयर कर सकूं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन इसे ऑप्शनल क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए डिटेल से प्रिपेयर किया है।